हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल लाइफ में कई सारी चीजें एज अ स्टूडेंट चल रही हैं, और उन कई सारी चीजों में क्या क्या आता है? उन कई सारी चीजों में आता है आपका पढ़ाई का स्ट्रेस, कॉलेज का स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या बोलूँ, छोड़ो. स्ट्रेस उतना मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि फिलहाल जिस लेवल पे है हम लोग, मतलब मैं जिस लेवल पे हूँ पर्टिकुलरली अभी, उससे उसको अपग्रेड कैसे करना है. एंड जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ट्राई करा अपग्रेड करने का. मुश्किल है थोड़ा, बट अब जो चीज़ मुश्किल है पाना वो कम लोग के पास है ना. सिंपल सी बात है, तो इतना ही आसान होता लेवल अप करना तो हर कोई कर लेता. आज बताओ, सबका वही इतना हाई लेवल रहता, सबके पास पैसा होता, सबके पास वो सारी चीजें होती जो उनको चाहिए. बट ऐसा नहीं है, मुश्किल है वो चीज तो. और इसी में फन पार्ट भी यही है ना कि अगर मेरे पास पहले से वो सारी चीजें होती जो मुझे चाहिए, अभी डिजायर करता हूँ, तो उसका उतना फन नहीं रहता यार वो चीज पाने में. एज एन एग्जाम्पल, मुझे लेम्बोर्गिनी खरीदनी है, तो अगर ये मेरे पास छोटे से ही होती कि हाँ यार उतनी लैविश लाइफ जी रहा होता, मेरे पास लेम्बोर्गिनी होती चलाने को मिलती, तो मेरे लिए वो नॉर्मल मारुति जैसी होती, राइट? तो सेम आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, एंड आपको स्पेसिफिकली गॉड ने एक ऐसी पोजीशन पे रखा है जहां से आपको चीजों की वैल्यू पता चले ना, जब आपके पास वो चीज आए. अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ. मैंने स्टार्ट करा था कंटेंट क्रिएशन इन पिछले साल. पिछले साल मेरे पास क्या था, एंड्रॉयड फोन था. एंड उस समय ऐसा था कि यार क्या है, फोन इतना शेक होता है, क्या बनाऊंगा, है ना, वीडियो. बट अगर मैंने उस समय स्टार्ट नहीं करा रहता वीडियो बनाना, तो मेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता ऐसे बात करने की आपसे. एंड उस समय एंड्रॉयड फोन था, तो फिर धीरे धीरे मैंने वीडियो डालना चालू करा, फिर उसके बाद जाके आईफोन आया, है ना. तो तब मुझे उसकी वैल्यू पता चली कि यार इतना ज्यादा हेल्प करता है आईफोन. अभी देखो, स्टेबिलिटी ऐसे पकड़ के चलो या फिर ब्लॉग शूट करो तो अलग क्वालिटी आती है. तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए रखा गया है जिससे आप वो सारी चीजें अचीव कर सको जो जरूरी है आपके लिए, एंड जो आप चाहते हो अचीव करना, तब तक आप ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे समथिंग लेजेंडरी. दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली, आपका लव जो भी है, आपको उसको मेंटेन करके रखना चाहिए. एक ऐसे तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यार बर्डन है वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ रही है. तुम इसका इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझोगे. इसका इम्पोर्टेंस बाद में समझ में आएगा लाइफ में, जब तुम्हें रिग्रेट होगा कि यार मेरे पास ये चीज़ थी, अब नहीं है मेरे पास, वैसा रिलेशन नहीं है मेरे फैमिली से, या फिर मुझे उतना कोई प्यार नहीं करता है, वैसा टाइप का रिलेशन नहीं है. तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं उनकी वैल्यू करो, एंड उनको अच्छे से ट्रीट करो, ओके. एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो अपग्रेड करना जरूरी है. जैसे मैंने पहले कहा, अपना रूम चेंज कर रहा हूँ, आई गेस जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्लटर्ड क्लटर्ड रूम है ना, तो दिमाग नहीं चलता है यहाँ पे, एंड अच्छा नहीं है यहाँ पे उतना. ठीक है, काफ़ी टाइम से रहे, तो ये कहना था. और अभी इवेंट्स आने वाले हैं 3 से 4 दिन के अंदर. तो 21 अप्रैल को हमारा NIIT है, जो कि निमराना में है, तो हम लोग वही जाने वाले हैं. मैं ब्लॉग वॉग सब शूट करूँगा, अभी उसका भी ब्लॉग शूट करूँगा रूम चेंज करने का, तो मज़ा आने वाला है. लगातार कई सारी चीज़ें आएंगी. आई वॉन्ट यू टू वॉच इट अच्छे से, ओके. बाकी टिल देन सी यू. दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो, कुछ ऐसा खास बताया नहीं, बट हाँ ऐसी चीज़ बताई जो मैंने सीखी अभी कुछ टाइम पहले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई एम द एवरीथिंग गाय.